What's up guys, this is Pruthvi and welcome back to the another video on my channel. So guys, ये मेरी पहली facecam video है और अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हुई हो तो माफ कर देना. So guys, आज हम यहाँ पर करेंगे unboxing इस Hain VR की और इसके साथ में इस VR controller की, जहाँ पर बात करेंगे इसके price, इसके specifications और क्या आपको इसे purchase करना चाहिए या नहीं, मेरे honest reviews को देखने के लिए. So guys, let's start this video with this unboxing. सो गाइज, ये है सामने हमारा बॉक्स, जहाँ पर सामने की तरफ लिखा गया है Hain VR और यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा है डिजाइंड फॉर लिनोवो, यानी कि लिनोवो के डिवाइसेस के लिए काफ़ी कंपैटिबल डिवाइस है. यहाँ पर मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि आपको इसे परचेस करना चाहिए या नहीं. इसके साइड में दिए गए इसके कुछ फीचर, जहाँ पर इसको 3D रिकॉग्निशन मोड और काफ़ी थिएटर एक्सपीरियंस जैसे मोड्स इसमें दिए गए हैं, ताकि आपको एक थिएटर एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिल जाए. बॉक्स के नीचे की तरफ इसके प्राइस और इसके कुछ वेट के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि ज़्यादा कुछ पढ़ने के लायक नहीं है, पर मैं आपको इसको ज़्यादा शेयर ना करूँ तो इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ. तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा नॉर्मल पैकेजिंग है, इतने कुछ खास नहीं है. तो इसकी प्राइस है करीब करीब 1000 रुपीज़ और यहाँ पर सामने की तरफ इसके लिखा गया है Hain VR और यहाँ पर जब आप सामने की तरफ से इसे खोलेंगे तो यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन को माउंट कर सकते हैं. तो इसमें लगे हैं ग्लासेस और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी कमाल की है और यहाँ पर ये टूटेगा नहीं और कोई भी इरिटेशन आपको महसूस नहीं होगी. ये पूरी तरह से प्लास्टिक से बना हुआ है और यहाँ पर आप इसे गिराइएगा मत, वरना ये खराब भी हो सकता है. तो ये तरफ से साइड में आते हैं हमारे VR कंट्रोलर की तरफ. यहाँ पर लिखा है इसे थिएटर मैक एक्सपीरियंस और इसे भी लिनोवो के लिए डिजाइन करा गया है, पर ये हर एक डिवाइसेस को कंपेटिबली सपोर्ट करता है. यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको नीचे की तरफ जो फंक्शन दिए गए हैं इसे समझना पड़ेगा. यहाँ पर कुछ बटन्स को दिए गए हैं जहाँ पर इसके मोड्स को लिखा गया है. यहाँ पर लिनोवो के बारे में लिखा गया, पर ये डिवाइस 100% में आपको गारंटी देता हूँ कि हर एक डिवाइसेस के साथ ब्लूटूथ से कंपेटिबली फिट हो जाएगा. यहाँ पर इसकी कुछ ब्रांडिंग दी गई है और ऊपर की तरफ दिए गए जॉयस्टिक, जहाँ पर आप इसे कंट्रोल कर सकते हो. यहाँ पर बैक और ओके के बटन्स दिए गए हैं और इसे आपको समझने के लिए इसका मैनुअल बुक आपको पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पर इसके पावर बटन को आप 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखने से ये एक्टिव हो जाएगा, जहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन से ब्लूटूथ ऑन करके इससे कनेक्ट कर लो, ताकि आप अपने स्मार्टफोन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले पाओ. सो गाइस, ये थी इसके अनबॉक्सिंग. तो चलिए आपको एक ट्रेलर दिखा देता हूँ, ताकि आप इसको एक अच्छे तरीके से समझ में आ सके. सो गाइज, ये थी इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग. अब यहाँ पर बात करते हैं इसके प्राइस की. तो इस VR कंट्रोलर की प्राइस फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा आपको 200 रुपीज़ के प्राइस रेंज में, जो कि काफ़ी चीप है और वहाँ पर आप इसे परचेस करके हर एक डिवाइसेस के साथ कंपैटिबली फिट कर सकते हो. और यहाँ पर इसकी जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो काफ़ी कमाल की है. अब बात करते हैं इस VR की. तो इसे स्पेशली डिज़ाइन करा गया है लिनोवो के डिवाइसेस के लिए, जहाँ पर अगर आप इसे अदर डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, यानी आपको बहुत ही अच्छी
अच्छी पिक्चर क्वालिटी होता देखने को नहीं मिलेगी, साथ ही साथ आप अपनी वीडियोस को पूरी तरीके से इंजॉय नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे बिल्कुल परचेस मत करो। इस वीआर के जगह आपको मार्केट्स में 200 रुपीज के स्टार्टिंग में से ही और सारे कमाल के वीआर मिल जाएंगे, आप उसे अपने स्मार्टफोन के हिसाब से परचेस कर लो। तो यहां पर बात करें इसके यूज की, तो ये सिंगल पर्सन यूज गैजेट है और ये एक टाइम पर एक ही आदमी इस्तेमाल कर सकता है। अब आपको ये लेना है कि नहीं आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको ग्रुप में फिर पार्टनर अपने दोस्तों के साथ अगर मूवीज देखना पसंद है तो आप इसे बिल्कुल भी परचेस मत करो, क्योंकि ये सिंगल पर्सन गैजेट है। अगर आपको सिंगल में मूवीज देखना पसंद है, अगर आप अकेले रहते हो या फिर हॉस्टल या फिर कहीं पर और बोर होने जाने पर जब आप मूवीज देखते हो अकेले में, तब आप एक गैजेट को यूज कर सकते हो। यहां पर उन लोगों के लिए भी गैजेट बिल्कुल नहीं बना जो कि ज्यादा देर तक मोबाइल के स्क्रीन पर देखने से जिनको हेडेक की समस्या है, तो ये उनके लिए भी गैजेट बिल्कुल नहीं बना। मगर अगर आप परचेस करना चाहते हो तो परचेस लिंक में दोनों डिवाइसेस का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप वहां से इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइस, दिस इज मी पृथ्वी फ्रॉम दिस चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।